अब नेक्स्ट देखते हैं क्या एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में क्या फर्क होता है ना, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में है ना, इन दोनों में क्या फर्क होता है। देखो जो एटीट्यूड काहे से डील करता है, ये डील करता है ना, एटीट्यूड डील करता है कि आप कैसे करोगे, है ना, हाउ विल यू डू, है ना, आपका एटीट्यूड कैसा है कि मैं इसको कैसे करूंगा, ये एटीट्यूड है। और एटीट्यूड क्या बोलेगा कि क्या आप करोगे, है ना, मतलब विच वन विल यू डू, ऐसा इससे डील करेगा कि भाई आप सब कुछ तो नहीं कर सकते ना, तो इनमें से पांच चीजें हैं, मैं उनमें से कौन सी चीजें कर सकता हूं। तो ये कहां से डील करता है, डील्स विथ विच वन विल यू डू। और ये कहां से डील करता है, हाउ विल यू डू, है ना, कैसे करूंगा मैं इसको, कौन सा करूंगा, ये इससे डील कर रहा है। और कैसे करूंगा, ये एटीट्यूड डील करेगी, ये आपका एटीट्यूड है जो कि आपको बताएगा कि आप कैसे करोगे उस चीज को, और कौन सी चीज को करोगे ये आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है। समझ में आ गया, ठीक है ना। ये क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, एक्वायर किया जाता है, एक्वायर्ड। और ये क्या होता है, ये जो एटीट्यूड है वो कैसा होता है, एक्वायर्ड नहीं होता, ये क्या होता है, इनबॉर्न होता है, है ना, मतलब इनेट होता है, ठीक, ये क्वाइड होता है ये। प्लस ये क्या होता है, जो एटीट्यूड है वो आपका, याद करो, मेंटल एस्पेक्ट है, मैंने बताया ना, ये आपका मेंटल एस्पेक्ट होता है। और वहीं पर ये जो एटीट्यूड है वो आपका मेंटल प्लस फिजिकल एस्पेक्ट है ना। आप दिमाग से भी कोई चीज को करते हो और अपनी जो फिजिकल बॉडी होती है उससे भी लेकर के उन एप्टीट्यूड को परफॉर्म करते हो। तो ये और एटीट्यूड हमेशा क्या बताया, मेंटल में, मतलब याद बताया ना, प्रीडिस्पोजिशन ऑफ माइंड, मतलब स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है, यही तो एटीट्यूड होता है। ये इस चीज से डील करता है। इसमें मेंटल और फिजिकल एस्पेक्ट दोनों होते हैं। इसमें मेंटल एस्पेक्ट होता है, ये एक्वायर्ड होता है, लर्न किया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। ये इनबॉर्न होता है, इनेट होता है। ये कहे से डील करता है, हाउ विल यू डू, ये डील करता है विच वन विल यू डू, है ना, इस चीज से डील करता है, ठीक। तो मतलब एक चीज और समझना है आपको, एक चीज और समझो, ये अगर आपका एटीट्यूड है, ये आपका एटीट्यूड है ना, और ये आपका एप्टीट्यूड है, इन दोनों का मिश्रण से आपका बहुत सारा चीज तैयार होगा, है ना। यहाँ पर वाला जो है ये डिसाइड करता है आपका एल्टीट्यूड, है ना, कि आपके अंदर एटीट्यूड भी है और आपके अंदर एप्टीट्यूड भी है ना, एटीट्यूड भी है और एप्टीट्यूड भी है, अच्छा एटीट्यूड भी है और अच्छा एप्टीट्यूड भी है। तो आपकी ऊंचाई, मतलब एल्टीट्यूड, मतलब आप कितना ऊंचा उठ सकते हो, ये चीज बताता है ना। प्लस एक चीज और समझना है, ये एटीट्यूड और एप्टीट्यूड होगा, अगर बेहतर मिश्रण होगा तो इससे आपको वैल्यूज लाइक, जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना, आपके अंदर एटीट्यूड भी है, एप्टीट्यूड है, तो आपको इमोशनल इंटेलिजेंस में हेल्प करेगा। समझ में आ गया, एटीट्यूड एप्टीट्यूड इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए फाउंडेशन की तरह एक्ट करेगा, है ना। अब समझो, ये जो एटीट्यूड होता है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फॉर्मेशन ऑफ एप्टीट्यूड में, है ना, प्लेस रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ, है ना, एप्टीट्यूड। भाई आप किसी चीज में अच्छी स्किल है आपकी, लेकिन आपका एटीट्यूड नहीं है, एटीट्यूड नहीं होगा तो फिर आपका उसमें मन नहीं लगेगा। तो आपके अंदर एप्टीट्यूड तो है बट आप अच्छे से ट्रेनिंग नहीं ले पाओगे। वहीं पे अगर आपका एटीट्यूड है उसके प्रति, तो आप अच्छी खासी ट्रेनिंग लेकर के क्या कर सकते हो, अपने एप्टीट्यूड को क्या कर सकते हो, एनरिच कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। समझ में आ गया, ये चीजें थोड़ा सा दिमाग में रखना, ठीक है। ये हमने समझा क्या एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में क्या लेना देना है, ठीक है, ये चीजें समझा हम लोगों ने। एप्टीट्यूड एल्टीट्यूड क्या डिसाइड करता है, हाउ विल यू डू, व्हाट यू विल डू, ये सब चीजें हमने देख लिया, है ना, ये आपका डिसाइड करता है एल्टीट्यूड को, ठीक। अब एक चीज और समझो, ये इंटेलिजेंस और ये एप्टीट्यूड में क्या फर्क होता है ना, इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड की बात कर लें आप, ठीक है, इंटेलिजेंस और क्या की बात कर रहा है, एप्टीट्यूड की। तो इंटेलिजेंस क्या है, अब इन दोनों में एक चीज बताओ, एप्टीट्यूड में भी मैंने क्या बताया आपको, मेंटल एस्पेक्ट होता है, फिजिकल एस्पेक्ट होता है, तो इसमें मैंने क्या बताया आपको, ये दोनों का एस्पेक्ट होता है। वहीं पर अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वो उसमें क्या होगा, मेंटल एस्पेक्ट होगा कि फिजिकल एस्पेक्ट होगा, इंटेलिजेंस, तो ये भी एक तरीके का मेंटल एस्पेक्ट है,
ये कैसा है, ये भी आपका क्या है मेंटल प्लस फिजिकल एस्पेक्ट है कि नहीं? हाँ, ये मेंटल प्लस फिजिकल एस्पेक्ट दोनों है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये दोनों में कॉमन आ रहा था, वहां पे भी आपने देखा कि भाई हाँ ये वहां पे भी ये जो था आपका क्या कि भाई ये मेंटल और फिजिकल दोनों एस्पेक्ट है, ठीक है ना, एटीट्यूड वाले टॉपिक में, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और समझना, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये जनरल होता है, ये जनरल चीजों को दिखाता है, इंटेलिजेंस आपका जनरल चीजों को दिखाता है, वहीं पर एप्टीट्यूड क्या होता है स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंस हम किसी को ले करके बोलते हैं क्या कि भाई ये व्यक्ति इंटेलिजेंट व्यक्ति है, मतलब हम ओवरऑल देख करके बोलते हैं ना कि भाई इस व्यक्ति के अंदर क्या है कि भाई इस व्यक्ति के अंदर क्या है ये ओवरऑल मतलब तेज है। लेकिन जब हम एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो किसी चीज को लेकर के बोलते हैं ना इस चीज में तेज है, ऐसा होता है ना, इसी चीज को लेकर के हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बात थोड़ा सा दिमाग में रखना कि ये एक जनरलाइज होता है, जनरलाइज पैटर्न होता है इंटेलिजेंस, और ये स्पेसिफिक होता है मतलब किसी चीज को लेकर के, भाई आपके अंदर आप बॉलिंग में अच्छे हो है ना, आप मैथमेटिक्स में अच्छे हो है ना, आप आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप मतलब तुरंत आप अच्छी तुरंत आप डिसीजन क्विक डिसीजन मेकिंग कर लेते हो, तो ये क्या है एप्टीट्यूड आपका स्पेसिफिक होता है। अब पढ़ा कौन होगा, ये जनरल है मतलब ये सब कुछ एस्पेक्ट कर लिया, तो ये थोड़ा सा ब्रॉडर होता है ना, ये थोड़ा सा नैरोअर होगा है ना। प्रेजेंट, एक चीज और बताओ, इंटेलिजेंस आपका प्रेजेंट समय में बताता है ना, ये प्रेजेंट सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट प्रेजेंट सिचुएशन को। वहीं पर एप्टीट्यूड क्या होता है, फ्यूचरिस्टिक कंसेप्ट होता है, ठीक है ना। अब जनरलाइज इंटेलिजेंस कैसा है, जनरलाइज है। अब जैसे सिविल सर्विसेज क्या है, यूपीएससी क्या है, जनरलाइज है, जनरल है ना, जनरल स्टडीज बोलते हैं। अब जनरल स्टडीज में कहां से डील करता है, ये थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये इस चीज से डील करता है ना कि कितना आप जानते हो और कितने डाइवर्स सेक्शन में आप जानते हो, है ना, हाउ मच यू नो, इस चीज को डील करेगा कि नहीं, और कितना डाइवर्स आप जानते हो, हाउ डाइवर्स यू नो, बोलते हैं ना कि आप आंसर लिखते हो तो आंसर राइटिंग में कितना डाइवर्सिटी आप बना रहे हो, कितने एस्पेक्ट्स में आंसर लिख रहे हो, एक आंसर में कितने डाइवर्सिटी आप इंक्लूड कर रहे हो, तो डाइवर्सिटी प्लस कितना जान रहे हो, हाउ मच, ठीक है, ये चीज इससे डील करती है। लेकिन ये कहां से डील करता है, ये डील करेगा कहां से, डील्स विथ कितने एफिशिएंटली आप उस चीज को जानते हो, है ना, हाउ एफिशिएंट कैन यू डू दैट टास्क, जो टास्क आपको अलॉट किया गया उसको आप कितना एफिशिएंटली करोगे, ये उस चीज से डील करता है, ये स्पेशलाइजेशन से डील करता है, ये जनरलाइजेशन से होता है ना, ये देखो ये जनरलाइजेशन है और ये कैसा होता है, स्पेशलाइजेशन होता है, समझा क्या, लेटरल एंट्री इसीलिए ना हम कर रहे हैं क्योंकि स्पेशलाइज्ड जो लोग हैं वो यहां पे आए, समझा क्या। तो ये इंटेलिजेंस और किसमें फर्क होता है, एप्टीट्यूड में, थोड़ा सा ये चीजें याद रख लेना, समझा क्या, इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड में फर्क होता है, क्या होता है ये हमने समझ लिया, एप्टीट्यूड में और एटीट्यूड में भी फर्क होता है, क्या हो गया ये हम लोग समझ लिए, ये चीज हम लोगों ने। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, क्या इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड में क्या है, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट मतलब होता है प्रेफरेंस, प्रेफरेंस ऑफ वन एक्टिविटी ओवर अदर, है ना। अब इंटरेस्ट के लिए मेरे को पसंद है कोई चीज, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका एप्टीट्यूड से कुछ लेना देना होता है, लेकिन हम क्या होते हैं जनरली ये टर्म आसपास है इसलिए आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। इंटरेस्ट मतलब इसके लिए जरूरी नहीं होता कि आपके अंदर एप्टीट्यूड हो, डू नॉट रिक्वायर्ड एप्टीट्यूड, फिर क्या रिक्वायर होगा, रिक्वायर्स एटीट्यूड कैसा है आपका, ये एटीट्यूड से डील करता है ना। तो इंटरेस्ट कहां से लिंक्ड है, एटीट्यूड से, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो वो ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा आपको, है ना। और उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि अंदर आपके अंदर उस चीज को लेकर के स्किल्स हो, पोटेंशियल होता है, वो आपको वो चीज करना, इंटरेस्ट है भाई, इंटरेस्ट तो देखने से भी होता है, किसी चीज को करने से नहीं होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। प्लस इंटरेस्ट क्या होता है, ये भी मेंटल एस्पेक्ट है,
और वहीं पर वो चीज मैंने आपको बताया, मेंटल प्लस फिजिकल एस्पेक्ट होता है ना। ठीक है, अब इंटरेस्ट कैसे डेवलप होता है, ये भी क्या होता है इंटरेस्ट, ये भी डेवलप्स ओवर अ टाइम, ये भी क्या होता है समय के साथ साथ हम एक्वायर करते हैं। इंटरेस्ट भी क्या होता है, एक्वायर किया जाता है, एक्वायर्ड कैसे, एक्सपोजर इफेक्ट से। एक्सपोजर इफेक्ट मतलब ये समय बीत रहा है, आप उस चीज के प्रति बार बार एक्सपोजर हो रहा है आपका, है ना। जैसे कि भाई सिविल सर्विसेज में इंटरेस्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि वो बार बार अपने मम्मी पापा का रुतबा देखता है कि उसके मम्मी पापा आईएएस आईपीएस में, तो उनके ऐसा ऐसा ट्रीटमेंट होता है उनके साथ, ठीक है, उनकी इतनी इज्जत होती है, वो हर दिन यही चीजें देख रहा है कि उनके मम्मी पापा को किस तरीके से लोग मानते हैं, कितना उनका प्रभाव रहता है, तो वो भी इंटरेस्ट डेवलप कर लेता है कि मेरे को भी सिविल सर्विसेज करना है ना। ये सब चीजें थोड़ा सा देख देख के हमको समझ में आ रहा है कि एक्सपोजर इफेक्ट के कारण क्या हो रहा है, वो एक्वायर करता है, समझ में। तो इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड में भी क्या फर्क है, ये हमने समझ लिया। ठीक है, अब देखते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है, पहला मैंने क्या बताया, आपको अपना एप्टीट्यूड पहले पता होना चाहिए, है ना, अंडरस्टैंडिंग देयर एप्टीट्यूड। आप अपने एप्टीट्यूड को पहले समझोगे, है ना, जब समझोगे ही नहीं तो फिर उसका पोटेंशियल क्या रियलाइज करोगे आप फ्यूचर में। दूसरा आपका एनवायरनमेंट, है ना, आपके अंदर जो अभी मैंने आपको बताया ना, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होगा तो आप उसको क्या करोगे, अपने एप्टीट्यूड को समझ करके उसको रियलाइज करके उसका आउटपुट दे पाओगे। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं होगा तो आप वो चीजें नहीं कर पाओगे, है ना। दूसरा होता है सोशियो कल्चरल इफेक्ट, है ना, सोसाइटी और कल्चर की डिमांड के हिसाब से भी फिर आपका जो एप्टीट्यूड है वो उसको अफेक्ट करता है, है ना। नेक्स्ट क्या होता है, इकोनॉमी वगैरह भी, है ना, आपके अंदर किस तरीके का एप्टीट्यूड रहेगा और उसका पोटेंशियल कैसे हम रियलाइज करेंगे फ्यूचर में, ये इकोनॉमी पर भी डिपेंड करता है, सोसाइटी पर भी डिपेंड करता है ना, पॉलिटिकल सिस्टम पर भी डिपेंड करता है ना। जेनेटिक है, जेनेटिक फैक्टर भी होता है इसमें, है ना, आपके अंदर वो जेनेटिक फैक्टर ही नहीं रहेगा तो आप एप्टीट्यूड क्या रियलाइज कर पाओगे, है ना। तो जेनेटिक फैक्टर हो गया, ये आपका एनवायरनमेंट हो गया, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो गया, ये सब चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एटीट्यूड है, ये चीजें हमने समझी, एप्टीट्यूड का क्या लेना देना है, इंटरेस्ट का क्या लेना देना है इससे, और इंटेलिजेंस क्या होता है ये हम लोगों ने समझा। ठीक है, ये सब चीजें समझ लिया। अब एक चीज और समझो, क्या बता रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे एक चीज समझना कि आजकल क्या हो रहा है, ये चीज समझा दी थी ना मैंने कि भाई आजकल क्या हो रहा है कि प्रेशर क्या हो रहा है, सिविल सर्वेंट पर बढ़ रहा है, ठीक है ना, सिविल सर्वेंट पर प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसके कारण क्या होता है, उसके साथ साथ बहुत सारे अब क्या होता है, रिक्रूटमेंट लेवल पे भी प्रॉब्लम आने लगी है। कहाँ पर, जब स्टेट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि रिक्रूटमेंट लेवल पे जब प्रॉब्लम आएगी तो उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं रह पाएगी कि वो जो चैलेंजेस हो उनको विथस्टैंड कर पाए, जो स्टेट लेवल के ऑफिसर्स होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, वो जो ये प्रेशर है करप्शन को लेकर के इन सब चीजों को हैंडल कर पाए। ऐसा नहीं कि सेंट्रल लेवल पे भी सबके सब फुल उनके अंदर ये सब एप्टीट्यूड होता है, उनमें भी प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत सारे जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनको सरकार वॉलेंटरली रिटायरमेंट दे देती है, ठीक है ना, क्योंकि उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं हो पाती और प्लस उनके अंदर ये एप्टीट्यूड नहीं होता कि वो इन चैलेंजेस को फेस कर पाए और ये जो इन चैलेंजेस को विथस्टैंड कर पाए, ठीक है ना। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि इसके कारण क्या हो गया कि ये उनके अंदर ये भी टेंडेंसी आ जाती है, मैंने आपको समय में बताया था कि वो स्टेटस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है उसी में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सिस्टम में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो इसके कारण क्या होता है उनका जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जा रहा है। तो ये सब चीजें के पीछे के क्या कारण है कि भाई अगर आपसे पूछेगा कि भाई बताओ ऐसा क्या कारण है कि एप्टीट्यूड होते हुए भी व्यक्ति क्या कर रहे हैं कि भाई आजकल हम उनके पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनके जो वो है मतलब जो मतलब इंटीग्रिटी है उसका लॉस हो रहा है, उनके एप्टीट्यूड का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, तो ये सब फैक्टर्स आप बता सकते हो। पब्लिक प्रेशर बढ़ गया है, पब्लिक स्क्रूटनी बढ़ गई है, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है, है ना, रिक्रूटमेंट लेवल पे प्रॉब्लम होती है, आजकल के जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके अंदर ये एबिलिटी टू विथस्टैंड डिफिकल्ट चैलेंजेस, एबिलिटी टू स्टैंड विथ डिफिकल्टीज, एबिलिटी टू विथस्टैंड करप्शन, ये सब चीजें कम हो रही है। इसके कारण क्या हो रहा है,
परसेप्ट, इसके सारे कारण या तो वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं उसमें, या तो वो अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, ये सब चीजें आप बता दोगे उसके कारण, फिर आप उस चीज को समझा देना जो भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये जो एप्टीट्यूड वाला टॉपिक है वो भी कर लिया।